हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं और व्लॉग शुरू किया है मैंने सुबह से। बच्चों का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है तो मैं उनका डब्बा बनाऊंगी और आसमान में देखिए चांद नज़र आ रहा है अभी भी। उधर से सूरज उगने की तैयारी हो रही है बट इधर चांद अभी भी दिख रहा है। और सानवी खुशी का टिफ़िन तो मुझे बनाना ही है, साथ में आज हस्बैंड का भी टिफ़िन बनाना है। तो मैं सानवी खुशी के लिए बना रही हूँ मशरूम का पुलाव और बिल्कुल सिंपल वाला बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई में प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची डाल करके भून लिए थे। इसके बाद साफ़ किए हुए, चॉप किए हुए मशरूम भूनने के लिए रख दिए हैं। साथ में टिफ़िन में मैं दूँगी मखाने, तो ये सानवी खुशी टिफ़िन में ले जाएंगे थोड़े से और हस्बैंड खा लेंगे। अभी दिल चाहेगा उनका तो टिफ़िन में मैं पूछूँगी, उनका मन चाहेगा चाय के साथ खाने का तो चाय के साथ ले लेंगे, नहीं तो टिफिन में दे दूंगी। तो मखाने स्लोली भुनते रहेंगे। यहाँ मशरूम अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी। इसमें मैंने थोड़े से मसाले कर लिए थे, बेसिक से मसाले, और फिर ऐड कर दिए हैं राइस और इसके बाद इसे मिक्स कर लीजिए। मुझे किसी वीडियो में कमेंट आया था कि पहले से पके हुए चावल को दोबारा यूज़ करने से क्या वो मशी नहीं हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने चावल कुक करके गर्मा गर्म ही दूसरी किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लिए हैं तो वो फिर टूट जाते हैं, तो वो फिर लंपी मशी हो जाते हैं। बट राइस अगर आपका ठंडा है, फ्रिज में से निकाला है, तो वो अपनी बॉडी मेंटेन रखता है। इनफैक्ट फ्रिज का राइस ज़्यादा अच्छा रहता है दोबारा इस तरह फ्राइड राइस कैटेगरी का कुछ भी बनाने के लिए, और ये नहीं टूटता है, बहुत अच्छा बनता है। मैंगो आ चुके हैं घर में, मैंगो सीजन इज़ फाइनली हियर, तो आज टिफ़िन में जा रहे हैं मैंगोज़। ये मशरूम का पुलाव जो रेडी हो चुका है एंड मखाने। और जब भी मैंने लंच बॉक्सेस मंगाए थे ना, तब आपको दिखाए थे, तो मुझे किसी फ्रेंड का कमेंट आया था कि स्कूल के लिए कांच के डब्बे, मतलब सार्कास्टिक वे में उन्होंने लिखा था कि टूट जाएंगे। देखिए टूट तो वो प्लास्टिक वाले भी जाते हैं, मतलब जो स्टेनलेस स्टील का होता है उसकी भी लिड प्लास्टिक ही होती है, और जो पहले टिफ़िन में यूज़ करी थी सानवी खुशी के लिए बेंटो बॉक्सेस, उसकी लिड ही क्रैक हो गई, टिफ़िन को कुछ नहीं हुआ। तो इवेंचुअली अब देखिए लिड सिर्फ तो मिलेगी नहीं ना, तो मुझे वो डिस्कार्ड ही करने पड़े। तो टूटता तो हर चीज़ ही है, चाहे कांच हो चाहे प्लास्टिक हो, मतलब वो ओवर द पीरियड ख़राब हो ही जाता है। बट ये है ना, केस में आता है और थोड़ा सा अगर ध्यान से यूज़ करें तो नहीं टूटता, चल जाता है। बच्चे मेरे थोड़े से अभी बड़े हो गए तो वो थोड़ा ध्यान से रख लेते हैं चीज़ें। बाय डीसी, बाय बाय। क्या है ये? एक और चीज बाद में कर लेना, नीचे से आऊंगा ना, नीचे करता हूं, ड्राइव करती है, ले आओ। बाय, इजी इजी, बाय गाइस, बाय। और सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, पता नहीं गर्मी हो ही रही है ज़्यादा या आप भी महसूस कर रहे हो। आई फील कि इस बार बहुत जल्दी से ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, जैसा पहले मई जून में ऑब्जर्व होता था ऐसा अभी अप्रैल की बिगनिंग में ही गर्मी लगने लगी है। तो अंदर तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी काम कर करके, मैं थोड़ी देर बाहर आके बैठ गई हूँ। मुझे अपने बालों में तेल भी लगाना था क्योंकि हेयर वॉश डे है, और यहाँ पर भी हवा का नामो निशान नहीं था। जो सुबह सुबह की ठंडक होती है वो धीरे धीरे जैसे जैसे सनराइज़ होता चला जाता है तो वो चली जाती है, तो हर जगह ही गर्मी गर्मी सी हो रही थी। बहरहाल मैं अभी हस्बैंड का टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ भिंडी टिफ़िन में देने के लिए। सुबह मैंने भिंडी नहीं बनाई थी क्योंकि शानू थोड़ा ना आनाकानी करती है, कभी कभी मैं दे देती हूँ पर कभी कभी मुझे लगता है यार बचा कर लाएगी, और कभी कभी कुछ और रहता है ऐसा सब्सटैंशियल तो मैं फिर भी दे देती हूँ सब्ज़ी, कि थोड़ा सब कुछ खाना सीखे। लेकिन आज के टिफ़िन में तो फिर कुछ और था ही नहीं,
नहीं, खाली फ्रूट ही रह जाता, तो मैंने इसलिए सुबह नहीं बनाई थी भिंडी। अभी हस्बैंड के टिफ़िन में दे दूँगी और यही फिर लंच में भी अगर बचेगी थोड़ी सी तो काम आ जाएगी। और सिंपल सी भिंडी मैंने बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं भिंडी में ना गार्लिक नहीं डालती, कभी कभार वेरिएशन के तौर पर डाल देती हूँ गार्लिक, बट यूजुअली प्याज वाला ही भिंडी बनता है। मेरी सासू माम के घर में तो टमाटर भी नहीं डलता, वो सिर्फ प्याज और भिंडी एंड ड्राई मसाला डालते हैं। मैं कभी कभी टमाटर डाल देती हूँ, मुझे पसंद आती है टमाटर वाली भिंडी, और प्याज टमाटर का भुना मसाला उसमें थोड़ा गार्लिक भी पड़ा हो तो वो भी मुझे अच्छी लगती है। मैंने चाय बना ली थी हस्बैंड के लिए और मेरे लिए, और साथ में मेरे लिए चिया सीड्स जो होता है इसका कोकोनट वाटर करके रख रही हूँ। ये कम से कम एक घंटे सोक करने के बाद पीने से अच्छा रहता है। जो सीड्स रहते हैं ना वो कभी भी डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करना चाहिए, कुछ एक को सोक करने की ज़रूरत होती है तो कुछ एक को रोस्ट करने की ज़रूरत होती है। चिया सीड अगर आप कंज्यूम कर रहे हो ये बहुत अच्छे रहते हैं हेल्थ के लिए, सुपर फूड की कैटेगरी में आते हैं, तो हमेशा इनको अच्छे से सोक करके ही यूज़ करें। बच्चों के टिफ़िन में मैंने दिया था मैंगो, तो थोड़ा मैंगो हस्बैंड ने तभी खा लिया था, तो उनके टिफ़िन में मैं वापस से मैंगो नहीं दे रही हूँ। थोड़ा सा वाटरमेलन रखा था तो उनके टिफ़िन में रख दिया है वाटरमेलन, और जो बचा था वो काट करके मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो वो यूज़ हो जाएगा। कटा रहता है ना तो कंज्यूम हो जाता है, ऐसे ही रहता है तो फिर देखते रहते हैं बच्चे लोग, मतलब वो कर लेते हैं लेकिन उन पर अभी उतना टाइम नहीं है, वापस से स्टडी शुरू हो गई हैं, तो फिर ये रहता है कि नहीं रखा है अभी, इसे कौन काटेगा। और साथ में है पराठे, ये है अचार मम्मी ने बनाया था मिक्स वेजिटेबल का अचार, तो वही है, भिंडी है, दही है। हस्बैंड के ऑफिस में है ना लंच का प्रोविज़न होता है, वहाँ पे लंच आता है, बट कभी कभार की बात अलग है, बट वो बाहर का थोड़ा खाना प्रेफर नहीं करते, तो इसलिए मैं बना करके दे रही हूँ। और ये जो ब्लू वाला लंच बॉक्स है, टॉल वाला जो आप देख रहे हो, ये बहुत पुराना है, 3-4 ईयर्स पुराना तो होगा ही। तब हस्बैंड दूसरे ऑफिस में थे और वो रेगुलरली टिफ़िन लेके जाते थे ना, तब ये मैंने ख़रीदा था। एक छोटा सा गुलाब जामुन भी रख दिया है, रखा हुआ था घर में, तो वो भी रख दिया है टिफ़िन में। और इसके बाद मैंने सारे दिन बहुत सारे काम किए पर रिकॉर्ड कुछ नहीं किया। सीधे अगले दिन मैं अभी आपसे मिल रही हूँ, और वही सुबह की ड्रिल, बच्चों का टिफ़िन बनाना है मुझे एंड हस्बैंड का टिफ़िन भी बनाना है। तो मैं यहाँ पे बच्चे लोगों के टिफ़िन में देने के लिए बनाने लगी हूँ उत्तपम। तो इसके लिए MTR का प्रीमिक्स आता है, मेरे पास रखा हुआ था तो ये मैंने ले लिया है, और इसके ऊपर है ना लिखा ही होता है कि आपको कैसे इसको मिक्स करना है, तो उसी तरह से थोड़ा अपने हिसाब से मुझे जैसा ठीक लगा मैंने इसका मिक्स तैयार कर लिया है। एंड छोटे छोटे मिनी उत्तपम मैं बनाऊंगी, वही वो ब्रेकफास्ट में भी खा लेंगे एंड वही टिफ़िन में भी दे दूँगी। एंड लास्ट ही ब्रेकफास्ट में उन्होंने टोस्ट एंड सैंडविच, टोस्ट एंड एग खाया था विद मिल्क, तो आज मैं अलग से नहीं कर रही हूँ, आज यही जो बनेंगे मिनी वाले यही सब लोग खा लेंगे। मैं सुबह में नाश्ता नहीं करती क्योंकि सुबह में मेरी मेडिसिन रहती है और उसके बाद मैं फिर अपना वाटर वगैरह ले लेती हूँ, तो मुझे सुबह में ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं होती। और आज टिफ़िन में उन लोगों के लिए मैं तैयार कर रही हूँ ज्वार पफ। तो ये ज्वार पफ मैं DMart से लाई थी, जब लाई थी तभी आपको दिखाया भी था, और वहाँ मैंने पहली बार ये ज्वार पफ, बाजरा पफ, रागी पफ देखे थे, तो मैं थोड़ा टेस्टर के तौर पे लाई थी, सेफ साइड ज्वार वाले, बच्चे लोग ये खा लेते हैं पर ये अच्छे निकले, ये सबको पसंद आए हैं। तो मैं अगली बार जब DMart जाऊँगी तो तीनों ही तरह के लेकर आऊँगी। ये थोड़ा सा ना हेल्दी सा ऑप्शन है स्नैकिंग का, तो ये मैंने घी में थोड़ा नमक डाल करके रोस्ट कर लिया है, ये जाएगा टिफ़िन में। और ये मैंने रेस्ट करने रख दिया था, बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया एंड फर्मेंट हो गया है, इसके अंदर जाली सी बनने लगी है, पर थिक हो गया था तो इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लूँगी मैं। ये सेम बैटर से इडली भी आप बना सकते हो, वैसे ये इडली के लिए ही है, बट इडली के लिए और उत्तपम के लिए सेम ही बैटर जाता है, तो मैं इसे मिनी उत्तपम्स बना रही हूँ। थोड़ा सा घी डाल दिया है मैंने पैन के ऊपर, पहली बार में डालने की ज़रूरत पड़ती है, आगे फिर हर बार डालने की ज़रूरत नहीं होगी घी।
मैंने यहाँ पे छोटे छोटे उत्तपम रख दिए हैं और इसके ऊपर पे लगाएंगे सब्जियाँ। अब सब्जियाँ आपको जो भी पसंद हो, जो भी अवेलेबल हो, एंड सबसे ज़्यादा तो बच्चे जो खा लें प्यार से वो आप लगा सकते हो। ऊपर बीट रूट, कैरेट भी लगाई जा सकती है। मेरे पास प्याज कैप्सिकम थे, ये मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, तो ये मैंने ऊपर से लगा दिया है। मसाला कुछ नहीं स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा पूड़ी मसाला यहाँ पर पे स्प्रिंकल कर सकते हो। एंड बस इसको फ्लिप कर लें जब एक तरफ से ये सिक जाए, और बहुत जल्दी एंड ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बने थे, उन तीनों को ही पसंद आए थे। तो ये क्विकली हो जाता है ब्रेकफास्ट के हिसाब से भी और लंच बॉक्स के हिसाब से भी। सिर्फ खुशी जा रही है स्कूल, तो उसका डब्बा मैंने लगा दिया है। उत्तपम रख दिए हैं, ग्रेप्स रख दिए हैं, ज्वार पफ रख दिए हैं। शर्मा जी ने, खुशी ने और शानू ने, तीनों ने ब्रेकफास्ट साथ ही किया था, लेकिन उसके बाद फिर शानू चली गई थी वापस, उसको नहीं जाना है क्योंकि अभी स्कूल। क्यों नहीं जाना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। हस्बैंड को ऑफिस के लिए निकलना है तो उनके लिए मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। हम लोग बैठ कर के साथ में चाय वाय पीते हैं और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ वापस से किचन में, और वो चले जाते हैं अपना शावर वगैरह लेने के लिए। फिर शावर लेते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इतने में मेरा टिफ़िन का जो काम होता है, उनके टिफ़िन का, वो हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही हो जाती है। जैसे आटा लगाने का रहता है तो वो यूजुअली पहले ही लग जाता है जब सानवी खुशी का डब्बा बन रहा होता है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए दाल, और ये वाली दाल बना रही हूँ मैं होल मसूर बिना छिलके की, बहुत अच्छी लगती है ये। और साथ में सब्ज़ी बना रही हूँ मैं पनीर शिमला मिर्ची की। तो मैंने ये जो सब्ज़ी का मसाला भुना था, इसमें एडिशनली मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर थोड़ी सी टमेटो प्योरे, और इसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। एंड इसके अंदर ऐड करना है मुझे कसूरी मेथी। अभी आपको जो इंग्रेडिएंट नहीं पसंद आते वो आप ना डालें। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर शिमला मिर्ची, थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसको भून लूँगी। सो क्योंकि जो शिमला मिर्ची है ना, उसको पकने में वक्त लगेगा, पनीर तो कोई टाइम लेता ही नहीं है। और जैसे ही इसमें से ऑयल ऊज आउट होने लगेगा, ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ी सी क्रीम यहाँ पर, एक दो चम्मच जैसी, जैसा आपका दिल चाहे, एंड देन मिक्स इट वेल। और सब्ज़ी में लास्ट में ऐड कीजिए कटा हुआ पनीर। आप चाहें तो पनीर को फ्राई भी करके ऐड कर सकते हो, और बस इसे मिक्स कर दीजिए। इसमें और कुछ नहीं करना है, ढक्कन लगा करके इसे पका लीजिए 2-4 मिनट, एंड इट इज़ डन। और यहाँ पर दाल रेडी हो गई है, सब्ज़ी में ज़ोर ज़ोर से उबाल आ रहे हैं, भी रेडी हो गया, और हस्बैंड बना रहे हैं चाय। यार मेरा ना एक क्वेश्चन है, हाँ, जो वर्चुअल फैमिली ना, उससे कि आप सब लोगों की हालत कैसी होती है सुबह? हमारे तो चेहरे पे 12 बजे हो रहे हैं। हम लोग खाली अपनी जिम्मेदारी निभाने उस हिसाब से सुबह उठ जाते हैं। अगर हमको मिले अपॉर्चुनिटी, देखिए गैस बंद करना, ये हो गया, ये ज्यादा सूखी भी अच्छी नहीं लगेगी ना। हाँ, नहीं, 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 नहीं। जैसे बचपने में लगता था कि अरे यार बैठ जाओ, फिर कुछ काम नहीं, फिर है, मज़े, हाँ। है ना, अरे ग्रेजुएशन में चले जाओ, फिर कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन हो गई, अरे नौकरी करने लगो, बस फिर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता, और हर पड़ाव के साथ और काम बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। कल की वीडियो में कोई फ्रेंड इस बॉटल के बारे में पूछा था कि क्या ये मिट्टी की है, तो हाँ ये मिट्टी की है, पर इसका पेंट है ना इधर उधर निकल रहा है। ये शर्मा जी को मिली थी, आप में से जिन लोगों ने वो व्लॉग देखा उनको तो पता है,
पर जो पूछ रहे थे उनको बता रही हूँ, ये मिट्टी की है, क्ले है। कीमत मैंने अपने खून से दी थी। बहुत भारी कीमत। हाँ। यार लेकिन इसमें पता नहीं क्या है अंदर, कुछ इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। हाँ। कुछ ऐसे पेट्रोल से आता है। इसको 10 बार तो क्लीन कर लिया। मुझे क्या लग रहा है, जो भट्टी में इसको गर्म किया होगा ना। नहीं है, मुझे लगता पॉलिश है। पानी नहीं पिया जाता उसका। चाय बन जाएगी तो हम दोनों जरा बैठेंगे। सुबह से लगी हुई हूँ मैं। शानू तो गई नहीं आज, उसका ओरिएंटेशन है, मैं जाऊंगी उसे लेकर। दिन में रखा हुआ है, पेरेंट्स बोला हुआ है और दिन में रखा हुआ है, तो दिन में तो पेरेंट्स वर्किंग ही होते हैं। लेकिन मुझे लोग जो घर पे रहती है वो आ पाएंगे। स्कूल और ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनके जो मैनेजमेंट होता है उसका थॉट प्रोसेस मुझे समझ नहीं आता। सीरियसली बोल रहा हूँ, कई सारे ऐसे टीचर्स से भी बात करते हैं तो यही लगता है यार इनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो गई है। बिकॉज उनको सैटरडेज को भी जाना पड़ता है बहुत सारे स्कूल में, नहीं तो वो कुछ ना कुछ काम करवाते हैं। और पेरेंट्स के लिए तो पता नहीं क्या कोई दुश्मनी है या क्या है कि हर इवेंट वो लोग उसमें रखते हैं वीकडेज में। यार कैसे ऐसा लगता है कि पहुंच जाओ ऑफिस वापस, कैसे छोड़े यार, कितना हाफ डे ले, इतना हाफ डिले और इतना छुट्टी भी नहीं ले सकते ना ऑफिस से। इतनी छुट्टियां होती ही नहीं जितनी बार स्कूल बुलाया जाता है। ये ओरिएंटेशन, ये प्रोग्राम, तो पेरेंट्स को बुलाया है पर सिर्फ मैं जाऊंगी क्योंकि वो तो ऑफिस जा रहे हैं। इसलिए शानू आज घर पे है क्योंकि वो भी जाएगी मेरे साथ। और सारी ही चीज़ें तैयार हो गई हैं। यहाँ पे दाल जो है वो बन चुकी थी और इसका जो प्रेशर है कुकर का वो निकल चुका था, तो मैंने इसका ढक्कन खोल दिया। ऐड किया है मैंने इसके अंदर धनिया और इसके बाद फिर इसको मिक्स करें। एक क्विक टिप है आपके लिए, दाल या इस तरह की कुछ भी चीज़ें रहती है ना, उसमें लास्ट में ना ऐसे घुमाते घुमाते चमचा चलाते रहिए तो वो है ना एकदम सही हो जाता है। जैसे कभी कभी लगता है ना पानी अलग रह गया, ग्रेन अलग है, तो थोड़ी देर उसे स्टर करते रहिए। दाल अच्छी तरह से बॉईल होती है तो वो थोड़ी ब्रेक होके बहुत अच्छी बना देती है, एकदम यूनिफॉर्म होमोजीनस हो जाती है। तो थोड़ा सा इसे घुमाते रहें, दाल इज़ रेडी। और ये जो दिखा रही हूँ मैं, ये है नींबू का अचार। ये भी मम्मी ने ही बनाया है, अचार वो ही बनाती हैं और जो भी बनाती रहती है वो थोड़ा थोड़ा मुझे भी भिजवाती रहती हैं। शर्मा जी को अचार खाने का बहुत शौक है। तो ये है आज का हस्बैंड का टिफ़िन, एक गुलाब जामुन अचार, फ्रूट में आज जा रहा है मैंगो, दही, दाल, सब्ज़ी एंड पराठा। और ये वाला जो टिफ़िन है ना, ये एक्चुअली है तो इस तरह 3 कंपार्टमेंट वाला, लेकिन इसमें है ना जो ऊपर आप लिड देख रहे हो, इसे आप सिर्फ 1 पे भी लगा सकते हो, सिर्फ 2 पे भी लगा सकते हो और 3 पे भी लगा सकते हो। तो जितने आइटम बनाए हो, सिंगल, डबल या ट्रिपल कंटेनर वाला टिफ़िन आप बना सकते हो। तो दैट मीन्स ये काफ़ी अच्छा है। कभी कभी सिर्फ एक ही चीज़ देनी होती है ना, जैसे हस्बैंड को मिठाई वगैरह ऐसा कुछ ले जाना है तो सिर्फ मैं एक ही दे देती हूँ, है बढ़िया चीज़ ये। और मैं रेडी हो गई क्योंकि मैं जा रही हूँ शानू को लेकर उसके ओरिएंटेशन में। उसका स्कूल का ओरिएंटेशन नहीं है, उसके कोचिंग क्लासेस का ओरिएंटेशन है, तो थोड़ा सा जो भी रहता है गाइड वाइड करेंगे वो। तो कुछ एक दोस्त मुझे पूछे थे कि शानू ने कौन सा स्ट्रीम लिया है। मेरी ना नींद पूरी नहीं हो रही 2-3 दिन से और साफ दिख रहा है, लाइक लुक एट माई आईज, बिल्कुल वेकअप जैसा ही नहीं हो रहा। तो शानू ने साइंस लिया है, साइंस स्ट्रीम है और उसमें उसने PCM लिया है, तो इसलिए उसकी फॉर्मल कोचिंग हम लोगों ने शुरू करा दी। जैसे पहले वो इधर उधर ट्यूशन क्लास में चली जाती थी, पर अभी वैसा नहीं है क्योंकि वैसा चलेगा नहीं अब, और बस वहीं लेकर जा रही हूँ मैं उसे। और वो लोगों ने ना दोनों पेरेंट्स को बुलाया है, मुझे भी मैसेज भेजा है, शर्मा जी को भी मैसेज भेजा है, बट वो तो कैसे आएंगे, वो तो ऑफिस में है, जाने का तो मेरा भी नहीं है क्योंकि मेरा सारा काम अभी पेंडिंग है। और इस वक्त फिर घर पे कोई आ जाए तो मैं होंगी नहीं वहाँ क्योंकि टाइम लग जाता है, बट जाना तो पड़ेगा, किसी एक को तो जाना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ। आपको कोई भी क्वेरी होगी थ्रू आउट पूरे साल आप उनसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे तो सर आपको आगे।
इतनी गर्मी हो गई है बाहर, मेरा फेस पूरा लाल हो गया है। और मैं गई थी ओरिएंटेशन में, आपको बताया था मैंने, और सुबह में बच्चे लोगों को भेजा, हस्बैंड का टिफ़िन किया और इसके तुरंत बाद में निकल गई क्योंकि टाइम ऐसा ही रखा था उन्होंने। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, वो कपड़े धुल चुके हैं, तो ये कपड़े सुखाऊंगी, कपड़े फोल्ड करने, मतलब सारे काम मेरे आज काफ़ी लेट हो गए हैं और डिश वॉशर भी लोड करना है। एंड पता है आपको कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई है, लाइक जब मैं पढ़ती थी तब इट वाज़ वेरी सिंपल, स्ट्रेट एंड इजी, और अभी जो है इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, लाइक स्टूडेंट फ्रेंडली सारा का सारा माहौल हो गया है। तो शानू की कोचिंग शुरू करवाई है, फॉर्मल जो होती है, क्योंकि अब वो 11th में आ गई है ना, तो वहाँ पे आई गॉट टू नो न्यू थिंग्स। पहला तो ये है कि जैसे हम लोग जाते थे स्कूल जाते थे, खैर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एक भी क्लास ट्यूशन नहीं ली है, ना 10th में ना 12th में, तो नहीं हुआ, वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन तब क्या होता था, जो बच्चे मेरी क्लास में और दूसरे भी थे जो जाते थे ट्यूशन, तो वो सब लोग एवरीडे स्कूल आते थे एंड देन उसके बाद फिर ट्यूशन जाते थे, और उसके बाद फिर लास्ट में जैसे 11th है वो रिलेटिवली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, एज इन बोर्ड्स नहीं होते 11th में, तो 11th तो पूरा चलता था क्योंकि जो इंटरनल एग्ज़ाम होते थे, इंटरनल टेस्ट होते थे, वही मैटर करते थे। बट जैसे 10th हुआ, 12th हुआ, तो 10th और 12th में हमारे स्कूल में क्या होता था, जैसे ही प्री बोर्ड हुए जो कि अर्ली नेक्स्ट ईयर हो जाते थे, जैसे कि जनवरी वगैरह में, हद से हद फरवरी में, तो उसके बाद फिर स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, तब तक प्रैक्टिकल वगैरह सब पूरे करवा दिए जाते थे। तो आपको प्रिपरेटरी लीव्स दी जाती थी कि आप पढ़ो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो या ट्यूशन से पढ़ाई करो, वो आपकी मर्जी है। बट अभी इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सीन। बट नाउ कॉन्सेप्ट स्कूलिंग इज़ समथिंग जो मुझे अभी पता चला, आपको शायद पता होगा पर आप में से भी बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता होगा। तो अब ये चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली कर दी गई हैं, तो वहाँ जाके थोड़ा अच्छा लगा। मैं जब भी ऐसी कोई जगह जाती हूँ तो मेरा मन होता है कि काश मैं वापस स्टूडेंट बन जाऊँ, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, अपनी नोटबुक्स मेंटेन करना, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, पर यू कैन बी स्टूडेंट ऑल योर लाइफ। तो अभी तो आज थोड़ी सी दिल को शांति होगी, कल से सानवी की भी प्रॉपरली क्लासेस शुरू हो जाएंगी, खुशी की येस्टरडे से शुरू हो चुकी हैं, स्कूल भी दोनों का 3 से शुरू हो चुका है। तो अभी धीरे धीरे ये जो दौड़ा दौड़ा भागा भागा वाली सिचुएशन रहती है ना, यहाँ एडमिशन वहाँ एडमिशन, इधर के लिए ट्रांसपोर्ट उधर के लिए ट्रांसपोर्ट, यहाँ की स्टेशनरी वहाँ की यूनिफॉर्म, ये सारा धीरे धीरे अब हो रहा है और धीरे धीरे हफ्ते भर में आई एम होपिंग कि थोड़ा सा अब ठंडा हो जाएगा। इन दिनों पिछले कुछ वक्त से मैंने कुछ भी इतना ज़्यादा क्या जितना इनका एडुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करी हैं, यहाँ जाओ इससे मिलो, ये प्रोक्यूर करो, वो खरीदो, टू मच, टू ओवरवेलमिंग, खुद पढ़ने से भी ज़्यादा ओवरवेलमिंग ये सब लगता है। खुद जब आप खुद पढ़ते हो तो आपको पता है कि हाँ पढ़ाई करनी है, लेकिन माँ बाप होना आसान नहीं है यार। कितने जब भी मतलब एक एक साल मेरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और मुझे और पता चलता जा रहा है कि मेरी जिम्मेदारी अब इतने से इतने से इतने से इतने से इतनी हो गई है।
मुझे है ना दिन में सोने की आदत नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे दिन में नींद आती भी नहीं है। नींद का मेरा वैसे थोड़ा इशू तो है ही, तो मैं दिन में नहीं सो पाती तो मुझे ना फिर थोड़ा सर दर्द जैसा हो रहा था, तो मैंने अपने लिए बना ली थी चाय, एकदम सिंपल वाली कड़क चाय, दूध पत्ती भी नहीं और उसमें अदरक इलायची ऐसा भी कुछ नहीं, थोड़ी सी पत्ती बढ़ा करके जो कड़क बनाते हैं ना जैसा बाहर मिलता है चाय उस तरह का, मुझे कभी कभी वो चाय पीना अच्छा लगता है। फिर आ चुकी थी खुशी घर पे, स्कूल से वो दोनों साथ ही आ गई थी, उसका फिर ट्यूशन होता है तो वो ट्यूशन से आ गई थी, तो उन दोनों को क्विकली थोड़ा सा स्नैक दे रही हूँ मैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये चीज़ सैंडविचेस, सिंपल से हैं वही मैं बना रही हूँ। ये चीज़ स्लाइस जो है ये डिलेक्टा के, आपको थोड़े से येलो लग रहे होंगे, ये थोड़े से ज़्यादा टेस्टी एंड क्रीमी होते हैं, लाइक मैं तो खाती नहीं हूँ ये चीज़ स्लाइसेस, बट शानू खुशी को ये पसंद आता है, जो अमूल का रहता है वाइट वाइट उससे ज़्यादा अच्छा इनको ये लगता है, तो मैं यही लेकर आती हूँ। एंड मैंने थोड़ा सा जो सीजनिंग होती है पिज़्ज़ा वाली वो डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया था एंड बटर से दोनों तरफ से इसको सेक लिया है, और उसके बाद इसको काट लेंगे। एंड ये गर्मा गर्म ऊपर से बहुत क्रिस्पी बटरी एंड अंदर से एकदम बढ़िया चीज़ी, जो चीज़ स्लाइसेस होते हैं ना वो प्रोसेस चीज़ होती है तो वो सिर्फ मेल्ट होती है, वो मोज़रेला की तरह खिंचती नहीं है। अगर आपको वो स्ट्रिंगी इफ़ेक्ट चाहिए तो अंदर फिर चीज़ स्लाइसेस आप लगा सकते हो एक्स्ट्रा चीज़ इफ़ेक्ट के लिए, बट अंदर है ना फिर मोज़रेला डालिएगा, उसके स्ट्रिंग्स बहुत अच्छे पुल होते हैं। सैंडविचेस, थैंक यू खुशी। सैंडविच वेलकम। और खुशी अभी थोड़ी देर पहले ही आई है ट्यूशन से, जब मैं चाय पी रही थी उस वक्त ये आ गई थी, तो मैं चाय फिनिश करके आई हूँ, सैंडविच बनाया है लोगों के लिए। खुशी ट्यूशन ग्रुप में जाती है तो मुझे उसे छोड़ के आना नहीं पड़ता। इट्स बिन टू डेज एंड शी इज़ इन्जॉइंग इट ऑलरेडी। ये मुझ पे गई है, इसको होमवर्क करना बुक्स पढ़ना पसंद है, ये पापा पे गई है इसको होमवर्क करना। आए बाल अपने विथ सम एक्स्ट्रा हेयर है, इसको होमवर्क करना नोटबुक्स मेंटेन करना उसमें कम इंटरेस्ट है, बट एवरी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर इसकी R&D कैसे होगी। घर में तो कुछ भी मैं अटक जाती हूँ ना, मैं इसी को पुकारती हूँ जानू हेल्प। तो दोनों बच्चे मेरे एक ऐसी एक मुझ पे एक पापा पे। अभी तो मिलेगा भी नहीं बेटा, इतनी रात में इतनी तो भीड़ होती है, वीकेंड पे हम लोग जाके लाएंगे। शनिवार को दिन में ही लाएंगे। ठीक है, तेरी भी छुट्टी तो होगी? नहीं, संडे भी जाना है। संडे कहाँ जाना है? संडे नहीं जाना है कहीं भी, तो संडे 7th डे ना। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही मज़ेदार बहुत क्रिस्पी पकौड़ों की परफेक्ट रेसिपी। मैं है ना पकौड़ों की ज़बरदस्त शौकीन हूँ, मुझे बहुत पसंद है पकौड़े। तो एक बोल के अंदर 7 चम्मच कोई भी एक चम्मच ले लीजिए, 7 स्पून डालिएगा बेसन, और इसके सामने 1 स्पून डालना है आपको कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च कॉर्नफ्लावर एक ही चीज़ होती है, वो है तो वो डालें, नहीं तो फिर राइस फ्लावर डालिएगा, पर प्रेफर कीजिएगा कॉर्नफ्लावर। ऐड कीजिए स्वाद के हिसाब से नमक, थोड़ी सी हल्दी मिलाइएगा, मिर्ची मिलाइएगा मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन और बस। और इसके बाद मिलाना है इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, चुटकी भर गरम मसाला मिलाने के बाद इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है धनिया, फ्रेश कटा हुआ धनिया इसके अंदर मिलाइएगा, इससे खुशबू टेस्ट तो अच्छा होता ही है, लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है पकौड़ों की। और उसके बाद फिर पानी डाल डालकर इसका एक बैटर बना लीजिए, मिक्स करके मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बैटर बनाना है, वैसा ही बनाइएगा। पकौड़े बनाने का अच्छे पकौड़े बनाने का एक और ट्रिक ये है कि पहले बैटर बनाएं, बैटर बना के इसको रेस्ट होने दें, और उसके बाद फिर आपकी जो भी सब्ज़ी है, जैसे आलू थे मेरे पास तो आलू मैंने काट करके स्लाइस करके पानी में से धुल करके 2-3 बार सूखे कर लिए हैं,
एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक, जब पकौड़े बनाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हों तो लास्ट में एक चम्मच गरम तेल इसमें मिला दीजिएगा और अभी एक एक स्लाइस को बैटर में डुबो डुबो के सेक लीजिए। इसमें कोई सोडा वोडा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको कलर चाहिए तो रेड वाला कलर, इन केस यू लाइक दैट, तो वो आप मिला सकते हो। और इसके बाद एक एक पकौड़े को डालते जाइए तेल में और सेक लीजिए दोनों तरफ से एंड एन्जॉय दम गर्मा गर्म। सुपर क्रिस्पी एंड वेरी टेस्टी ये बनते हैं। मेरा कढ़ाई थोड़ा सा छोटा सा है तो इसके अंदर चार पाँच पाँच छः पकौड़े एक बार में मैं बना रही हूँ। मैं बड़ी कढ़ाई भी ले सकती हूँ, आई हैव बड़ी कढ़ाई ऑल्सो, बट फिर उतना ही ज़्यादा उसमें ऑयल भी जाएगा। ये ऑयल बाद में वैसे भी डिस्कार्ड हो जाना है तो और चार छः बार, दो चार बार एक्स्ट्रा पकौड़े बनाने पड़ेंगे, पर मैं छोटी में बना लेती हूँ सो दैट ये जो तेल है कम वेस्ट हो। एक बार फ्राई हो जाता है तो वो तेल मैं यूज़ नहीं करती। हाँ, ये अगर सरसों का तेल होता तो इस तेल को मैं फिर सब्ज़ी वब्जी बनाने के लिए यूज़ कर लेती, उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन रिफाइंड ऑयल तो मतलब स्ट्रिक्टली नो नो है। एक बार आप उसमें फ्राइंग कर लें तो उसके बाद दोबारा नहीं यूज़ करना। जब आप फ्राई कर रहे हो तो एक साथ कितनी भी चीज़ें उसमें फ्राई कर सकते हो, जैसे होली पे नहीं करते हम लोग पहले गुजिया फ्राई कर ली, नमक पारे फ्राई कर लिए, शक्कर पारे फ्राई कर लिए, एक साथ वो सब फ्राई किए जा सकते हैं। बट एक बार ये ठंडा हो गया तो दोबारा वापस इसको गैस पे चढ़ा करके गर्म करके इसको इस्तेमाल नहीं करना है। बस बस, और ये कह रही है कि मम्मा मुझे उतारो। आप देखो ये कहाँ चढ़ी हुई है, देखा रहेगी वो भी, पर खुशी लाइक मम्मा मुझे उतारो। ये क्या है, टैंक खा के टैंक पीकर इन्हें ज्यादा एनर्जी आ गई है। खुशी शानू तो तोड़ेगी, शानू नहीं बांदरी। पापा उसे उतार दो, यू आर नॉट सीरियस ना, खुशी उतर जाओगी? नहीं गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।